नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। महत्वपूर्ण खबर चर्चा में है। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जो ईडी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, वो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो गई है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना है और एक पक्षीय फैसला दिया है। हेमंत सोरेन की जमानत का इसमें विरोध किया गया है और ईडी ने कहा है कि जो जमानत दी गई है वो एक पक्षीय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, इस मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट अब हुआ है? देखिए, जैसे ही झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके तुरंत बाद ही जो है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। और अब जो है एक टेंटेटिव डेट आ गया है, यानी कि 26 जुलाई एक निर्धारित डेट है। संभवतः 26 तारीख को मामले की सुनवाई हो सकती है। हालांकि किसके बेंच में सुनवाई होगी, कौन से न्यायाधीश मामले की सुनवाई करेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। संभवतः कल जो है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से जस्टिस जो है वो मामले की सुनवाई करेंगे, या फिर ये सिंगल बेंच में होने वाला या फिर डिविजन बेंच में होने वाला, तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि हेमंत सोरेन 28 जून के फैसले के बाद ही जेल से बाहर आए थे और जेल से बाहर आने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला था और अब बतौर मुख्यमंत्री वो यहाँ पर काम संभाल रहे हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा फैसला आता है, झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ नया मोड़ आता है, तो राज्य की जो राजनीति है और बहुत सारे जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ेगा। बहुत सारा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडी ने उसी दिन झारखंड हाई कोर्ट से अपील की थी कि एक दिन के लिए समय दे दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, इस पे की स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें समय नहीं दिया था। 50-50 हज़ार के दो मुचलकों पर हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी और जमानत मिलने के बाद पूरी अगर बात करूं यहां पर तो स्थिति बदल गई थी। और ऐसे में अगर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ हट कर आता है, कुछ अलग आता है, क्योंकि इस तरह के केसेस हम पहले भी देख चुके हैं, जहां अपने लोअर कोर्ट में देखिए जो अरविंद केजरीवाल का मामला था, लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दिया था। यानी कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था उस पर जो हाईकोर्ट था उन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो हो सकता है, संभावना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन संभावना है कि हो भी सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें दी जाती है, क्या कुछ आधार दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आधारों के मुताबिक जो है उन्हें जमानत दी गई थी। बहुत सारे धारा का हवाला दिया गया था और ये भी बताया गया था कि डायरेक्ट कनेक्शन जो है हेमंत सोरेन का कहीं से नहीं मिला है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जा सकती है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए बाकायदा 50 से अधिक पेजों का जो है ऑर्डर डाला था और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, उसके बाद अब जो है बतौर मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाल रहे हैं। बिल्कुल, यानी बेसब्री से इस बात का इंतजार रहेगा कि हेमंत सोरेन को लेकर अगर सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि इससे एक बार सूबे की राजनीति में फिर बड़ा उथल पुथल हो सकता है, इसलिए हर किसी की नजर इस पर रहेगी। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाय स्कूप। नमस्कार।